ये प्रोग्राम अमेजिंग फैक्ट्स मिनिस्ट्री के मित्रों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझे विश्वास है पुराने नियम में प्रभु के पास लोग थे। पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने सच्चाई की जो बातें थी वो यहूदियों को बताई थी। बाइबल, वचन, उनके पास वचन थे। नए नियम के समय के बारे में क्या उसके पास कोई चलन है जिसमें वो काम कर रहा है? क्या उसने किसी को सच्चाई बताई है या फिर हमें बस येलो पेजेस में ढूंढनी होगी? 40 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स परमेश्वर के वचन को मीडिया के माध्यम से लोगों को बता रहा है। इस प्रोग्राम में हमारे सबसे उत्तम ऐसे टेलीविजन ब्रॉडकास्ट के भाग जुड़े हैं। हम आपको न्योता देते हैं कि इस एडिशन का आनंद उठाएं अमेजिंग फैक्ट्स प्रेजेंस में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं और आज के विषय का शीर्षक है ज्योति की स्त्री, और ये तो आधारित है उस स्त्री पर जो कि बताई गई है प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 में। और जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आप इस शीर्षक के बारे में और अच्छे से समझेंगे। लेकिन चलिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जो आज के हमारे अध्ययन के साथ में मिलती ही है। मैं भारत में कई बार गया हूँ। पास्टर रॉस भारत में गए हैं। अमेजिंग फैक्ट ने कई स्कूल भारत में किए हैं। मुझे याद है एक कहानी सुनी थी एक स्त्री जो 37 साल की थी, जो कि वहाँ कुछ कपड़े धो रही थी, कुछ बर्तन धो रही थी नदी के किनारे। वहाँ पर बहुत से गरीब लोग हैं। भारत अभी आधुनिक हो रहा है लेकिन गांव में अभी भी गरीब लोग रहते हैं। लेकिन खैर, उन्होंने इस नदी में से किसी मगरमच्छ के बारे में नहीं सुना, लेकिन कहीं से तो भी ये नमक के पानी का मगरमच्छ आ गया, नदी में से उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे वो वहाँ कपड़े धो रही थी और उसने उसके पैरों को पकड़ लिया और वो उसे नदी में खींचने लगा। और ये तो बहुत ही आसान था कि उसे नदी में खींच ले, और मन में हर तरह की बातें चल रही थी। ये अद्भुत है कि इस तरह के डरावने समय में मन कैसे काम करता है। उसका परिवार था, बच्चे थे, और वो नहीं चाहती थी कि इस तरह से मगरमच्छ उसे खा जाए। जैसे मगरमच्छ उस स्त्री को किनारे से नदी में खींच रहा था, तो ये स्त्री उस एल्यूमिनियम के बर्तन को नहीं छोड़ रही थी जिसे वो वहाँ धो रही थी, और उसने उसे पकड़ लिया और उसी बर्तन से वो उस मगरमच्छ के सिर पर और उसकी आंखों पर वार करने लग गई, और इतने जोर से मारा कि मगरमच्छ ने उसे छोड़ दिया। प्रकाशित वाक्य एक बहुत बड़े जानवर के बारे में कहता है जो कि मनुष्य को खाता है। अगर आप अपनी बाइबल में देखें तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं अध्याय 12 में वचन 1 से। हमारे अध्ययन में ये पहला सवाल है, प्रकाशित वाक्य परमेश्वर के सच्चे चर्च का चित्र कैसे बताता है? हमने इस नकली चर्च बेबीलोन के चर्च के बारे में अध्याय 17 में देखा हुआ है। उन्होंने बहुत से अजीब से काम किए, और अभी हम अध्याय 12 में देख रहे हैं और हम देखेंगे कि सच्चा चर्च कैसे बताया गया है। आप यहाँ पढ़ते हैं वचन 1 में, एक स्त्री जो सूर्य को ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। इसके पहले कि आगे कुछ बताऊं, इसे ज्योति के वस्त्र पहने हुए कहा गया है। आप उत्पत्ति में 3 तरह के स्वाभाविक ज्योति को देख सकते हैं। परमेश्वर ने सूरज बनाया, चांद बनाया और उसने तारे बनाए, और वो पृथ्वी को ज्योति देते हैं। परमेश्वर ने चर्च से कहा, तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हारी ज्योति पृथ्वी पर चमकने पाए ताकि मनुष्य इसे देखे और तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। ये तो मत्ती 5 में लिखा है। यानी ये स्त्री है जिसने ज्योति के वस्त्र पहने हैं, सूरज, चांद और तारों के। ये क्या दर्शाते हैं? चांद, जिसकी अपनी खुद की ज्योति नहीं, ये उदय होने वाले सूरज की रोशनी को प्रदर्शित करता है। चांद तो पुराने नियम के जैसे है जो कि ज्योति से भरा है, लेकिन ये तो बुनियाद है जिस पर वो खड़ी है, लेकिन वो सच में सूरज को ओढ़े हुए हैं। बाइबल हमें मलाकी अध्याय 4 में ये बताती है, जिसके बारे में बाइबल बताती है कि धार्मिकता का सूर्य जो अपने पंखों में चंगाई लेकर उदय होगा। ये एक जगह है जहाँ मसीह की तुलना सूरज के साथ की गई है। सूरज का तेज जब यीशु का रूपांतर हुआ था, मरकुस अध्याय 9 में उस रूपांतरण के पहाड़ पर, कि वो सूरज जैसे चमक रहा था, लॉन्ड्री की किसी भी साबुन से भी बढ़कर। सिर के ऊपर के तारे ये लीडरशिप बताते हैं। ये तो 12 तारे थे, और यहाँ पर पुराने नियम में हम देखते हैं कि 12 पुरनिये थे। मैं शमूएल को जोड़ रहा हूँ, लोग 12 न्यायियों को गिनते हैं। मूसा के पास 12 गोत्र थे, और नए नियम में क्या है, यीशु ने 12 चेलों को चुना था। ये संख्या महत्वपूर्ण थी। यहूदा की जगह किसी और को रखा, पवित्र आत्मा ने बताया। और सिर के ऊपर यानी अगवेपन के बारे में है, सिर यानी मार्गदर्शन है। तो ये कह रहा है बुनियाद तो पुराने नियम की है और नए नियम की मसीह की जो ज्योति उसे चमक रहे हैं और चर्च की अगुवाई और इसके द्वारा प्रभु अपनी ज्योति संसार में चमकाता है। लेकिन कुछ और बात है जो लोग चूकते हैं। वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। वो तो गर्भवती थी और उसे संतान होने वाली थी और वो पीड़ा में से होकर जा रही थी और यही अजगर लाभ उठाना चाहता था। अब जैसे हम पढ़ते हैं, चलिए इस वचन में थोड़ा पीछे चले, हम बच्चे के बारे में क्या सीखते हैं, यानी ये बच्चा कौन है। वो बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। ये बेटा कौन है, ये बताता है। वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास, उसके सिंहासन के पास उठकर पहुंचा दिया गया, यानी ये बेटा परमेश्वर से था। तो स्त्री क्या दर्शाती है? चर्च, सियोन की सुंदर और सुकुमार बेटी। पौलुस कहता है, पतियों अपनी पत्नी से प्रेम करो जैसे मसीह ने चर्च से किया। ये चर्च की तुलना है। ये स्त्री जो अध्याय 12 में है, सूरज चांद और तारे। अजगर नफरत करता है तो वो अच्छी कलीसिया होगी। अजगर उससे नफरत करता है, ये तो अच्छा चर्च है, ठीक है। स्त्री प्रकाशित वाक्य 17 में, ये तो अजगर के साथ में थी, ये सहयोग में थे। यशया 51:16, मैं सियोन से कहूँ तुम मेरी प्रजा हो। अक्सर बाइबल में परमेश्वर कलीसिया को अपनी दुल्हन कहता है और अक्सर यहाँ पर जो स्त्री प्रकाशित वाक्य 12 में बताई गई है उसके बारे में कहते हैं कि वो बेटा जनती है, वो शादीशुदा होनी चाहिए। और अक्सर आप देखेंगे कि चर्च में जो कि विवाह होता है उसके बारे में, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, उसके सिर पर 12 तारे हैं और वो चांद के ऊपर खड़ी हुई है। और वो तो ये विचार प्रकाशित वाक्य 12 से पाते हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य में जो स्त्री है वो तो मरियम नहीं है जो कि यीशु की माता है। अगर आप इस अध्याय में आगे पढ़े तो ये कहता है कि अजगर जंगल में उसके पीछे पड़ा था। और जैसे हम जानते हैं, प्रेरित यूहन्ना मरियम को अपने घर लेकर जाता है, वो तो उसी के घर में मरती है और कोई अवसर नहीं था कि शैतान उसके पीछे भागे और जंगल में वो मर जाए। और यहाँ पर दर्शन में जो कुछ भी हुआ, ये तो निश्चय ही स्त्री को दर्शाने वाली बात है, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 17 ये तो दर्शाता है। ये बड़ा लाल अजगर कौन है जो उसे और उसके बेटे को नाश करना चाहता है? वो क्या करना चाहता है? वचन 9, तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, गिरा दिया गया। अब क्या 5 साल का बच्चा इसे समझ सकता है? ये इतना सरल है। इस पर सवाल नहीं कि ये बड़ा अजगर कौन है। शैतान, इब्लिस, सांप, ये सब एक ही वचन में हैं। ये बुरा व्यक्ति है, इसे कह सकते ये विलन है, शैतान, या फिर ये दुष्ट है और अंधकार। इस तरह से आप इसके लिए हर तरह के नाम दे सकते हैं, यानी ये तो पूरी तरह से बुरा है। पहला बलवा, वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। मैंने आपको पहले बताया कि बाइबल में 3 बार शैतान ने ये कोशिश की थी कि पूरी तरह से खत्म कर दे इन बच्चों को जिनके बारे में वो संदेह करता था कि इनमें से कोई मसीहा होगा। मिस्र में सारे छोटे लड़कों को नदी में फेंका गया, लड़कियों को नहीं, लड़कों को। वो जानते थे मसीहा वो प्रतिज्ञा का बीज होगा। और फिर किसी ने दाऊद के सारे वंश को नाश करने की कोशिश की, क्योंकि शैतान ने भविष्यवाणी सुनी थी कि मसीहा दाऊद से आएगा। और जब यीशु छोटा बच्चा था तो शैतान ने रोमी सामर्थ्य राजा हेरोदेस का उपयोग किया। उसने सब बच्चों को मारने की कोशिश की, जैसे यूसुफ और मरियम वहाँ से भागे और मिस्र में जाकर छिप गए। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं, यीशु को नाश करने में शैतान असफल होने के बाद क्या हुआ? वो बच निकलता है। ये कहता है वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास उठाया गया। शैतान यीशु तक कभी नहीं पहुंच पाया। यीशु ने अपना काम पूरा किया, 35.5 साल तक सिद्ध जीवन जिया, 3.5 साल तक लोगों को शिक्षा दी, 30 साल की उम्र में उसने बपतिस्मा लिया, उसने चमत्कार किए, सुसमाचार बताया और फिर अंत में लोगों के पापों के लिए मरा और तीसरे दिन फिर से जी उठा। और वो स्वर्ग में है, शैतान की पहुँच से दूर है क्योंकि यीशु स्वर्ग में है। ठीक है, शैतान स्वर्ग से निकाला गया, वो उस तक नहीं पहुंचता क्योंकि उसके पास में अभी ईश्वरीय शरीर है, उस तक नहीं पहुंच सकता जैसे मनुष्य के समय में पहुंचा। जब शैतान मसीह तक नहीं पहुंच सकता, उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो क्या करता है? यीशु जिसे पसंद करता है उसके पीछे जाता है। यीशु के स्वर्ग में उठाए जाने के बाद में शैतान ने चर्च के साथ क्या किया? जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। फिर से, क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? शैतान ने उस स्त्री को सताया। क्या हमने इतिहास में इसे देखा है? और ये तो केवल रोमी साम्राज्य के द्वारा शुरू ही नहीं हुआ, लेकिन सबसे पहले ये शुरू हुआ जब यहूदी कलीसिया, सभी यहूदी नहीं, क्योंकि शुरू के चर्च में सभी लोग यहूदी थे, प्रेरित यहूदी थे, नया नियम यहूदियों के द्वारा लिखा गया, लेकिन ये धार्मिक लोग थे जो नफरत करते थे। कुछ लोग प्यार करते थे, निकोदेमुस जैसे, यूसुफ जो कि अच्छा धार्मिक अगवा था, और साथ में कुछ बुरे धार्मिक अगवे भी थे। दुर्भाग्यवश जो कि अधिकारी थे वो सताने लग गया। आप प्रेरितों के काम में पढ़िए। साथ में स्तिफनुस पर पत्थरवाह हुआ। यहूदी देश के सुप्रीम कोर्ट ने सुसमाचार सुनने के लिए लोगों को पूरी तरह मना किया था। पॉलुस तो स्तिफनुस की हत्या के लिए जिम्मेदार था, और पॉलुस तो वहां पर बहुत ही क्रोधित होकर घर घर में, चर्च चर्च में जाकर वहां पर स्त्री और पुरुषों को बंदी बनाता था और जेल में डालकर उन्हें मारता था। यानी ये तो इस तरह से शुरू हुआ, लेकिन ये तो यहूदियों के द्वारा शुरू हुआ। रोमियों ने भी ऐसा ही किया। यहूदी पिलातुस के पास गए, गवर्नर के पास, कि मृत्यु की आज्ञा ले। और आपको ये जानना होगा कि पॉलुस के ऐसे यहूदी दुश्मन थे, वो तो रोम तक उसके पीछे गए कि राजा के सामने पॉलुस पर दोष लगाए। वो बहुत क्रोधित थे। जानते हैं क्यों? पूरे रोमी साम्राज्य में यहूदियों के आराधनालय और चर्च थे। मसीह लोग वहां पर वचन सीख रहे थे, और कई बार पूरा आराधनालय मसीह के पास में आ जाता था। प्रेरितों के काम में आप ये पढ़ सकते हैं। और जो यीशु को स्वीकार नहीं करना चाहते थे वो तो बहुत ही क्रोधित हो गए थे। इसलिए यहूदी के बारे में कहते हुए, अच्छे विश्वासी यहूदी थे और कुछ धार्मिक थे और कुछ ऐसे जो बहुत ही कठोर थे। और फिर उसके बाद में ये सब कुछ रोमी लोगों को दे दिया गया। आपको इतिहास में जानना होगा, यहूदी लोग विश्वासियों का विरोध तो करते थे, लेकिन साथ साथ में रोमी लोगों का बहुत विरोध करते थे, क्योंकि वो उनके देश में थे। और 68 और 69 के ईस्वी सन में रोम के विरुद्ध में बलवा किया। बड़ा बलवा हुआ और बड़ा युद्ध हुआ यहूदी और रोमी लोगों के बीच में। और फिर जब वो कुछ भी नहीं कर पाए तो रोमी लोगों ने यरूशलेम पर हमला किया, पूरे नगर को नाश किया। यहूदी धर्म को मना कर दिया गया। और जबकि यहूदी और विश्वासी लोगों के बीच में बहुत सी समानता थी, इन दोनों के पास में बिल्कुल वही बाइबल थी और उनकी विधियां भी एक ही थी, एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते थे, तो मसीहत को भी बंद किया गया उसी समय में। तो यहूदी और विश्वासी फिर एक साथ में रहने लगे, और फिर रोमी यहूदी और विश्वासियों को एक साथ में सताने लग गए। और आपने ये कहानी सुनी होगी जहां विश्वासियों से कहा जाता था कि इस मूर्ति को दंडवत करो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तुम ये कह दो कि कैसर ही परमेश्वर है, या सिंह के सामने फेंके जाओगे। और कुछ ऐसे राजा थे जो कि बहुत ही क्रूर थे, और आपने नीरो के बारे में सुना होगा, जिसने रोम को जला दिया और इसका दोष विश्वासियों पर लगाया। उसने कहा कि विश्वासी लोग मांस खाते हैं और लहू पीते हैं। ये प्रभुभोज के बारे में बता रहे थे, और वो तो नरभक्षी हैं, वो तो मनुष्य का मांस खाते हैं। और ऐसी झूठी अफवाहें फैला दी गई थी और बड़ा क्रोध भड़का। तो फिर मनोरंजन के लिए इस हफ्ते क्या करेंगे? इस हफ्ते हम वहाँ पर कोलोसियम में जाएंगे और ग्लैडिएटर इन विश्वासियों को मारते हुए देखेंगे, इन्हें सिंहों को खिलाएंगे, जिंदा जलाएंगे। और कई साल तक इतना भयानक सता हुआ। डायोक्लेटियन एक ऐसा राजा था जो कि बहुत ही कठोर व्यक्ति था, और प्रकाशित वाक्य में इसके बारे में बताया गया है। महान क्लेश काल आया 303 से 313 तक, जहां पर मसीह लोगों को खत्म कर देने की कोशिश की। लेकिन टर्टुलियन जो शुरू के चर्च के पिता थे, उन्होंने कहा कि ऐसे लगता है कि शहीदों का जो खून है वो जवाब देता है। जितना ज़्यादा वो मसीहों को मारते हैं, जैसे कि धान को झटकते हैं, उतनी ज़्यादा बीज फैलते हैं और वो बढ़ते हैं। परमेश्वर के सच्चे चर्च के बारे में पहचान के दो और चिन्ह कौन से हैं? प्रकाशित वाक्य 12:17, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से लड़ने के लिए गया। यहाँ पर देखिए, यानी उसका वंश, उसका बीज। और यहाँ दो सबसे अद्भुत गुण कौन से हैं? यानी जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। मैं विश्वास करता हूँ पुराने नियम में प्रभु के लोग थे। कौन से खास लोग थे? कौन? इसराइल, यहूदी। क्या विश्वास योग्य थे? किस कारण वो प्रभु के लोग हुए? पॉलुस बताता है, परमेश्वर ने सच्चाई की जो बातें हैं वो यहूदियों पर प्रकट की है। बाइबल, वचन, उनके पास वचन थे। यीशु कुएं पर स्त्री से बातें कर रहा था। उसने कहा, क्या हमें गैरिज्म में प्रार्थना करनी चाहिए, या फिर यरूशलेम में, या सामरिया में, या यहूदिया में? यीशु ने कहा, मैं इसे अभी हल कर देता हूँ। कि उद्धार तो यहूदियों के द्वारा है, क्योंकि यहूदियों को परमेश्वर ने सच्चाई दी है। बाइबल में एक ही तरीका है, वह है वचन के द्वारा, मसीह के द्वारा। वो तो देखिए, परमेश्वर के लोग थे, यहूदी थे। क्या केवल यहूदी लोग पुराने नियम में उद्धार पाए हुए थे? नामान कोढ़ी भी था। परमेश्वर ने एलिया को एक कनानी स्त्री के पास भेजा था। परमेश्वर के पास पूरे संसार में लोग थे, लेकिन एक समूह था जिसे उसने चुना था कि वो सच्चाई के रक्षक हो जाए। जरूरी नहीं कि समूह में सभी लोग यानी इस्राएली लोग विश्वासयोग्य नहीं थे, कुछ लोग नहीं थे, पर उनके पास वचन था। नए नियम के समय के बारे में क्या परमेश्वर के पास समूह है, या फिर इनी मिनी माइनी मोह से चुनाव करेगा? क्या उसके पास में कोई चलन है जिसके अनुसार वो करेगा? क्या उसने किसी को सच्चाई दी है, या फिर हमें बस येलो पेजेस में उसे ढूंढते जाना है? मलाकी में अंतिम बात तो ये कहता है, मूसा की व्यवस्था को स्मरण रखो, देखो मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, व्यवस्था और भविष्यवक्ता। और जब आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो ये कहता है परमेश्वर की आज्ञा और प्रभु यीशु मसीह की गवाही। यीशु की गवाही क्या है? और मैं आपको ये बता दूं, खैर प्रकाशित वाक्य 19:10 कहता है, स्वर्गदूत यूहन्ना से कहता है कि यीशु की गवाही तो भविष्यवाणी की आत्मा है, व्यवस्था और भविष्यवक्ता। मेरे चेलों के बीच गवाही पत्र को बांध और व्यवस्था पर मुहर लगा। यीशु मुर्दों में से जी उठा और उसने उनके सामने व्यवस्था और भविष्यवक्ता से प्रकट किया कि वही तो मसीहा है। तो एक स्वभाव गुण ये है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर के लोग बाइबल की बुनियाद पर रहेंगे, वो वचन में जड़ पकड़े होंगे, और यही हमें पता चलेगा कि कहाँ पर जाना है। और इस समूह को और भी बेहतर तरीके से जानने के लिए अगर आप प्रकाशित वाक्य 14 में जाते हैं, यीशु के आने के पहले 3 संदेश है जो संसार तक जाएंगे। ये 3 स्वर्गदूतों का संदेश है, यही हमारा अगला सवाल है, और यह है अंतिम समय का चर्च परमेश्वर के स्वर्गदूत के कौन से 3 संदेश का प्रचार करेगा। प्रकाशित वाक्य 14 में पढ़े तो ये कहता है, पहला, दूसरा और तीसरा स्वर्गदूत। और फिर मैंने देखा कि एक मनुष्य के पुत्र का सा आ रहा है, वो तो यीशु है। स्वर्गदूत केवल संदेश लाते हैं, 3 सामर्थी संदेश संसार तक जाते हैं। यीशु मसीह के आने के बिल्कुल पहले ही जो स्त्री के संतान में से बचे हुए लोग लाते हैं। अंतिम समय में अगर आप इन संदेशों को देखेंगे तो आसानी से जान पाएंगे कि अंतिम दिनों में सच्चाई कौन सी है। पहला संदेश प्रकाशित वाक्य 14:7, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, न्याय का बड़ा दिन आएगा। जानते हैं यीशु के आने के पहले एक न्याय किया जाएगा, शायद आप इसे जानते हैं, क्योंकि प्रभु जानता है कि किसने उद्धार पाया और किसने नहीं पाया है, और कुछ उठाए जाएंगे और कुछ नहीं उठाए जाएंगे। तो क्या उसके आने के पहले कुछ न कुछ जांच पड़ताल तो होगी, यानी दूसरे आगमन के पहले वहां पर कोई ना कोई जांच तो होगी ही जो वहां पर होगी। चेतावनी है, तैयार हो जाओ, मसीह आ रहा है, उसके न्याय का समय आ चुका है और प्रभु का वापस आना बहुत जरूरी है। फिर आगे ये कहता है, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, उसका भजन करो जो कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। और आप सब की आज्ञा को यहाँ पर पाते हैं निर्गमन अध्याय 20 वचन 8 से वचन 11 तक। सृष्टिकर्ता की आराधना करना स्मरण रख, ये तो इस आज्ञा का एक एक शब्द है। ऐसे भी लोग हैं जो कि निश्चय ही वो तो इस व्यवस्था को भूल गए हैं और हमें इस पुल को बनाना है। फिर प्रकाशित वाक्य 14:8 में आप पढ़ते हैं, और यहाँ पर फिर एक और स्वर्गदूत है, दूसरा। वो कहता है, गिर पड़ा वो बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा ये बड़ा नगर, यानी वो स्त्री, दूसरी स्त्री जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जाति को पिलाई है। क्या बेबीलोन यहाँ पर बताता है प्राचीन बेबीलोन फिर से बनाया गया? नबूकदनेस्सर नहीं, खैर सद्दाम हुसैन बेबीलोन को फिर से वापस बनाना चाहता था, और उसने खुद को इस तरह से दिखाया कि नबूकदनेस्सर का वो नया अवतार है। लेकिन यशायाह 13 की भविष्यवाणी है कि बेबीलोन फिर कभी नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पढ़ सकते हैं, बेबीलोन जो सब राज्यों का शिरोमणि है और जिसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं, वो ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और अमोरा जब परमेश्वर ने उन्हें उलट दिया था। वो फिर कभी न बसेगा और युग युग तक उसमें कोई वास न करेगा, और ये कभी नहीं बसा। सद्दाम ने कोशिश की कि बेबीलोन को फिर से वो बसा पाए, और इराक युद्ध शुरू हो गया और ये सब बंद हो गया। जब ये बेबीलोन के बारे में कहता तो मध्य पूर्व के बारे में नहीं, लेकिन आत्मिक बेबीलोन के बारे में। और यहाँ तक कि पतरस ने इसके बारे में कहा, उसने कहा कि तुम्हारे बेबीलोन के भाई। वो मेसोपोटामिया के बारे में नहीं कह रहा था, वो रोम के विश्वासियों के बारे में कह रहा था। नए नियम में रोम को बेबीलोन भी कहा गया है, हमें ये नहीं चूकना है। तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वो परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा। यानी ये तो उसके क्रोध का कटोरा है और इसलिए ये तो डरावनी चेतावनी है। तीसरा स्वर्गदूत चेतावनी है कि पशु के चिन्ह को हमें नहीं लेना है। परमेश्वर का चर्च ये संदेश किसको प्रचार करेगा? ये कैसे होगा? पूरे पृथ्वी का चलन था जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था, हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए। और ये संदेश केवल इसराइल के लिए नहीं था, ये तो पूरे संसार के लिए था कि तुम सारे जगत में जाकर सब लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ठीक है, यानी ये तो अंतर्राष्ट्रीय ऐसा चलन होगा। बहुत से डिनोमिनेशन खुद को मसीह कहते हैं, तो क्या इसका अर्थ है कि वे परमेश्वर के सच्चे चर्च हो गए? अलग अलग संस्थाओं में बहुत से अच्छे विश्वासी हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने सच्चाई का वचन दिया है दो समूह को जो ऑर्गेनाइज हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को बुला रहा है जैसे कि समय अंत का आ गया है। मैं जानता हूं कुछ लोग कहेंगे पास्टर डग आपके चर्च के कुछ लोग ऐसे ऐसे अजीब से हैं, ये तो हर चर्च में पाए जाते हैं। तो लोगों की ओर मत देखिए, तो उसकी सामग्री को देखिए। मैंने रशियन इमिग्रेंट के बारे में सुना जो उत्तर अमेरिका में आए, तो कहाँ आप अमरीकी लोग ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो? तो कहाँ सीरियल। ओ ये तो बहुत ही अच्छा होगा। तो वो लोकल स्टोर पर जाते हैं और वहाँ पर सीरियल आइल में पहुँचते हैं। आप वॉलमार्ट के सीरियल आइल में गए हैं? ये एयरपोर्ट टर्मिनल के जैसे है और दोनों तरफ हर तरह के वहाँ पर सीरियल देख सकते हैं, और ऐसे सीरियल जिस पर कार्टून है और ऐसे सीरियल जो खिलाड़ी खाते हैं, ऐसे बहुत से हैं वहाँ पर। इस तरह के सीरियल थे, सबके लिए मार्केटिंग कर रहे थे। चर्च के जैसे ही है, हम किन लोगों तक पहुंचते जाएं, लोग क्या देखते जा रहे हैं। मनोरंजन चाहिए तो हम चर्च में वही लेकर आएंगे, सोशल लाइफ चाहिए तो चर्च में वो मिलेगी। चर्च का चुनाव कैसे करते हैं? चलिए मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर इस तरह से, क्या वो मेरे घर के करीब है, मेरे माता पिता कहाँ जाते थे, मैं उनके जैसे होऊंगा, क्या वो अच्छी बिल्डिंग है, क्या उनके पास बच्चों के लिए अच्छे प्रोग्राम हैं, संगीत कैसा है, क्या पास्टर करिश्मेटिक है और दिखने में बहुत ही अच्छे दिखते हैं। मुझे पता आप इसलिए आए हैं। कुछ लोग इस तरह से चर्च का चुनाव करते हैं। क्या वहाँ पर प्रभावी लोग जाते हैं? वो वहाँ पर जाना चाहते हैं जहाँ पर ऐसे बड़े लोग आते हैं। सम्मानित चर्च, क्या उनके पास में सिंगल्स के लिए अच्छा प्रोग्राम है? मैं बता नहीं सकता लोग किस कारण चर्च का चुनाव करते हैं। ये चर्च के लिए अच्छे कारण हैं, निश्चय ऐसा होना भी चाहिए। घर के करीब हो, आपका परिवार वहाँ जाता हो, उनके पास बच्चों के लिए अच्छे प्रोग्राम हो जो आपको जगाए रखें, अच्छा म्यूजिक हो, अच्छी सुविधाएं वहाँ पर हो। हम सब ये चाहते हैं और ये सब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये कोई भी सही कारण नहीं है कि चर्च का चुनाव करें। मैं सीरियल कैसे खरीदता हूँ? मैं चित्रों को अनदेखा करता हूँ और मैं डब्बे को पलटा कर देखता हूँ कि उसमें क्या है, वो क्या विश्वास करते हैं, उनके बुनियादी सिद्धांत कौन से हैं। यीशु चाहता है हम वचन के अनुसार करें। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और यहीं पर हम निर्णय लेते हैं कि हम किसके हैं, और आप परमेश्वर के लिए जवाबदेही हैं। जब भी आप चर्च में ऑफरिंग देते हैं तो आप एक संदेश के लिए मदद करते जाते हैं। आप किस संदेश की मदद कर रहे हैं? आज्ञाकारिता के संदेश की मदद कर रहे हैं और उद्धार यीशु के द्वारा, या ऐसे संदेश की मदद कर रहे हैं, नैतिकवादी या आज्ञा भंग करने के संदेश को किसे मदद कर रहे हैं? अपनी उपस्थिति के द्वारा इसे बढ़ावा दे रहे हैं। यशायाह 4 में एक भविष्यवाणी जो कहती है, उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी रोटी तो हम अपनी खाएंगे और वस्त्र अपने ही पहनेंगे, केवल हम तेरी कहलाए, हमारी नामधराई दूर कर। ये सारे चर्च वहां पर एक साथ खड़े होंगे और यीशु के नाम को थाम लेंगे, लेकिन वो अपनी रोटी खाते, अपनी बाइबल होती है, धार्मिकता के लिए अपने विचार होते हैं, पर उसका नाम चाहते हैं, खुद को मसीह कहलाते हैं ताकि नामधराई दूर हो। और यहाँ पर बेबीलोन की बेटी के बारे में बाइबल इस तरह से कहती कि बेबीलोन गिर गया और उसमें से सामर्थी निकल गए। प्रभु के लोग कई साल तक बेबीलोन में बंधवाई में थे, और अंत में जब बेबीलोन गिर गया तो उन्हें घर में जाने के लिए कहा गया, लेकिन वो वहाँ पर इतने आराम से थे। मैं यहाँ पर 70 साल से रहा, मेरे सारे दोस्त यहाँ पर हैं, और यहाँ तक कि बेबीलोन की भाषा बोलते थे, और उनके लिए मुश्किल था कि बेबीलोन से बाहर आए। लेकिन जो बेबीलोन से बाहर आए वो आशीष पाए। आप पढ़िए नेहमिया और एजरा में, और भविष्यवाणी पढ़िए हग्गई मीका की। वो बेबीलोन से बाहर आए, प्रभु ने आशीष दी। जो बेबीलोन में बने रहे वो दुख उठाए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 में कहता है, जो बेबीलोन से बाहर नहीं आए वो बाहर आ जाए, नहीं तो मरी उन्हें पूरी तरह से नाश करेगी। और इसलिए अंतिम दिनों में संदेश यह है कि उन सभी लोगों को बुलाए जो कि इस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ मिल गए हैं, नकली विचारों से निकलकर बाइबल में वापस आए और इस चलन में वापस आए। अंतिम दिनों में केवल 2 समूह होंगे। यीशु ने कहा, बहुत सी मेरी भेड़ें हैं जो इस झुंड की नहीं, वो मेरी आवाज सुनेगी, फिर एक चरवाही होगी, एक चरवाहा होगा। आमेन। प्रभु चाहता उसके वचन पर हम एक हो जाएं। आज के स्मार्टफोन में ये पूरी संसार की जानकारी है जो आपके हाथ की हथेली में आ जाती है और हमारे अंगूठे से हम काम करते हैं। इससे अपने सामान खरीद सकते हैं, कसरत की रेजिम को पूरा कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, आप इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड वेब को देख सकते हैं, जो कि शायद हमेशा अच्छी बात ना हो। और क्या आप जानते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है। इस छोटे से स्मार्टफोन में नासा ने मनुष्य को चांद पर पहुंचाने के लिए जो उपयोग किया उससे बढ़कर है। और मैं तो भूल ही गया, फोन कॉल करने के लिए इसका उपयोग होता है, लेकिन आज इसे कौन करता है। आज की बातचीत में कोई वाक्य ही नहीं रहते हैं, ये तो बस शॉर्ट मैसेज सर्विसिंग है या फिर SMS टेक्सटिंग है। बिल्कुल सही, लगभग इस पूरे संसार में 2.5 बिलियन लोग हैं जो अपने दूसरे मनुष्यों के साथ में संपर्क करते हैं शॉर्ट बाइट्स में, जिसे टेक्सटिंग कहते हैं। और इसके लिए ज्यादा डाटा उपयोग होता है वेब सर्फिंग या फिर वीडियो गेम खेलने से भी बढ़कर। और दोस्तों, इससे बढ़कर कहीं उपयोग नहीं होता, यहाँ फिलीपीन से बढ़कर। और बस फिलीपीन में तो 100 मिलियन लोग रहते हैं, लेकिन ये भेजते हैं इतने ज्यादा टेक्स्ट मैसेज जो पूरे संसार की तुलना में बढ़कर हैं। ये तो 12वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन ये भेजते हैं 400 मिलियन टेक्स्ट मैसेजेस प्रतिदिन। वाव, ये तो उंगलियों का बहुत उपयोग है। हालांकि फिलीपींस में सबसे ज्यादा टेक्स्ट किए जाते हैं। सबसे तेजी से टेक्स्ट करने वाला रिकॉर्ड तो ब्राजील के नाम पर है। एक जवान जिनका नाम है मार्सेल फर्नांडिस फाइलो, और वो टेक्स्ट कर सकते हैं 25 ऐसे उलझे हुए शब्द लगभग 18 सेकंड में ही। वाह, अगर मैं अपनी पत्नी को टेक्स्ट करूं आई लव यू तो इसके लिए ज्यादा समय लगता है, और सेंड प्रेस करूं अंगूठे से। टेक्सटिंग के बारे में खासियत यह है कि आप कहीं भी टेक्स्ट भेज सकते हैं। लोगों में घिरे हैं और आप व्यक्तिगत संदेश भेजना चाहते हैं तो टेक्स्ट भेजते हैं। अगर आप सबवे में हैं या फिर एयरपोर्ट पर हैं तो टेक्स्ट भेज सकते हैं। अगर आप शोर में घिरे हुए हैं या शोर करने वाले लोगों में हैं तो टेक्स्ट करें। बस ड्राइविंग करते हुए टेक्स्ट न करें। ये बहुत ही अद्भुत है दोस्तों। आप हमेशा संदेश दे सकते हैं परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा। जब आप सोच रहे हैं मैं कौन से स्कूल में जाऊं या फिर मैं कौन सी नौकरी करूं, मैं किससे मिलूं जो मेरे भविष्य का जीवन साथी हो सकता है, आपकी प्रार्थना लंबी न होने पाए। बाइबल की सबसे छोटी प्रार्थना 3 शब्दों की है। पतरस ने कहा, प्रभु मुझे बचा ले, और यीशु ने इसका जवाब दिया। चाहे आप कितनी भी रफ्तार से टेक्स्ट करते हैं, जब आप प्रभु से बातें करते हैं, जानते हो आपसे क्या मांगता है, आपकी प्रार्थना सुनता है, आपके आमीन कहने के पहले ही, सेंड बटन दबाने के पहले। सच में दोस्तों, आप प्रभु को प्रसन्न करेंगे जब आप उसे रेगुलर मैसेज भेजेंगे अपने दिल से उसके पास। तो क्यों ना अभी इस समय उससे बात कर ले। ये प्रोग्राम अमेजिंग फैक्ट्स मिनिस्ट्री के मित्रों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।